वक्र कुंड महाकाय सूर्य कोटि समर्पण है, निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हैप्पी संकट चौथ। संकट चौथ के इस पावन उपलक्ष में मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ तिल के लड्डू। कॉमनली तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको पूजा के लिए जो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं बता रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए सामग्री तिल। तो वी रिक्वायर तिल। आप तिल ले लीजिए, ब्लैक, ब्राउन, अलग अलग वैरायटी के तिल आते हैं, तो आप कोई भी तिल ले लीजिए। साथ में ले लीजिए गुड़। 100 ग्राम तिल है तो अराउंड 100 ग्राम ही आप गुड़ लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप तिल को करेंगे ड्राई रोस्ट। तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने, इसलिए ये वाइट तिल हल्का सा ब्राउन दिख रहा है आपको। अच्छा, अब आप पूछेंगे ड्राई रोस्ट कितनी देर करना है, तो आप ड्राई रोस्ट कीजिए 5 to 7 मिनट। और आपको एक फ्रेगनेंस, कोई भी चीज़ जब रोस्ट होती है, भुनती है, तो उसको ड्राई करना है, मीन्स आपने डायरेक्टली इसको अपने पॉट में, कढ़ाई में डाल के रोस्ट करना है 5 to 7 मिनट। और जैसे ही रोस्ट हो जाए क्लोज कर लीजिए। और उसके बाद हम इसको कूटेंगे, क्योंकि आज का तो हमारा ट्रेडिशन यही है कि इसे हम कूट के बनाते हैं। वैसे तो मिक्सी में इजीली ग्राइंड हो जाता है, बट संकट चौथ के लिए स्पेशली हम इसे कूटने जा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज ईमान जस्ता एंड दिस इज ट्रेडिशनल। इसमें देखिए मैंने ऑलरेडी तिल, जो भुने हुए तिल हैं वो इसमें डाले हैं, और इसमें हम इन तिलों को कूट रहे हैं, और इन तिलों को बारीक। अब ये एक्चुअली हम इसमें कूट रहे हैं तो ये एकदम बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा सा कूटेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें बारीक होंगी और कुछ दरदरी। और जैसे कि आज संकट चौथ है तो हम इसे बोलेंगे संकट हरण, संकट हरण। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी संकट हरते हैं देवी देवता, तो आज स्पेशली गणेश जी हमारे संकट हरेंगे, उनके लिए स्पेशली मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। सो दिस इज ऑलमोस्ट ग्राइंड, ठीक है। इसको ग्राइंड करने के बाद आप गुड़ को भी बारीक बारीक पीसेस में ले लेंगे, और उसको इसके साथ हम करेंगे मिक्स। तो मैं आपको मिक्स करते हुए दिखाऊंगी अभी। सी, ये है आपका ग्राइंड हुआ क्या कहते हैं तिल। एंड इस तिल में आप ये देख रहे हैं, मैंने इतना बारीक बारीक कर लिया है गुड़ को, तो मैं इसके साथ इस गुड़ को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ गुड़ को तिल के साथ, अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे लड्डू का शेप देंगे। आप चाहे तो चूरमा भी चढ़ा सकते हैं, ऐसे लड्डू का शेप देंगे। और लड्डू का शेप देने के लिए हाथ में हल्का सा घी लगा के या वाटर लगा के उन्हें शेप दे सकते हैं। अदरवाइज ये ड्राई रहता है तो डायरेक्टली थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो थोड़ा सा आप घी ले सकते हैं एक बाउल में या वाटर ले सकते हैं, और आप इसे लड्डू का शेप दे सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लड्डू का शेप दे रहे हैं। सी, ऐसे, ठीक है। मैंने हल्का सा घी लिया था हाथ में और इस टाइप से शेप दिया है। सी, लाइक दिस, लाइक दिस। सो लाइक दिस यू कैन मेक फ्यू मोर लड्डू, और आप गणेश जी को चढ़ाइए, गणेश जी को भोग लगाइए, और फिर आप भी खाइए। सो मैं भी इसका फ्लेवर आपको गणेश जी को चढ़ाने के बाद ही बता सकती हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, नमस्कार, जय।